अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मटर कीमा कचौरी की रेसिपी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये कीमा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कीमा मैंने मटन का लिया है, आप इसकी जगह पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो इस कीमे को हम इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो कीमे को हमने इतना भून लिया है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो इसमें हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही हम ये 1 टेबल स्पून भर के ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे जो कि मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन को पीस कर बनाया है। तो ये हरी मिर्ची और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, जो रोज स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम ये हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद ये लाल मिर्ची का पाउडर भी हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। तो बस मसाले थोड़े से भुन जाए उसके बाद हम इसमें ये 1/2 ग्लास पानी का डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर कीमे को हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ देखिए कीमे को हमने थोड़ा सा पका लिया है और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो सारा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मटर। तो ये 1/2 कप मैंने फ्रेश मटर लिए थे, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं कीमे में। तो मटर जो कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पकने में। तो जैसे ये मटर थोड़े से पक जाएंगे तो इसमें हम बाकी के सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो ये 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ का पाउडर और ये 1/2 टीस्पून ही हम इसमें धनिया और जीरे का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और बस सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आधे नींबू का रस आप इसमें ऐड कर दें। और ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बस इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये कचौरी की फीलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम रख देंगे साइड में और इसके बाद हम कचौरियों के लिए आटा गूंद लेंगे। तो ये एक बर्तन में हम मैदा ले लेंगे। तो ये हम 2 कप ले रहे हैं। तो मैदे में हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद हम ये 4 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। आप घी की जगह पर ऑयल भी ले सकते हैं, इससे जो कचौरियाँ हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो घी ऐड करने के बाद हमें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारा घी जो है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये घी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मैदे में तो इस तरह से हमें इसकी मुट्ठी बांधना है। और अगर इस तरह से आटे में मुट्ठी बन जाती है तो समझ लीजिए कि आपने जो इसमें घी या फिर ऑयल ऐड किया है वो बराबर क्वांटिटी में ऐड किया है। और अगर इस तरह से मुट्ठी अगर आटे में नहीं बनती है तो फिर आपको चाहिए कि इसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो थोड़ा और ऐड कर दें। तो अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो इस डो को हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, तो बस थोड़ा सा टाइट डो हम इसका गूंद लेंगे। कवर करके हमें इसे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट बाद इस आटे को हमें थोड़ा सा और मसल लेना है और दोबारा से इसे थोड़ा सा गूंद लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके हमें छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो जिस साइज़ की आपको इसकी कचौरियाँ बनानी है उस साइज़ के आप इसके पेड़े कट कर लें। तो इतने आटे में मैंने इसके 6 पीस कट कर लिए हैं। तो इक्वल साइज़ के हम 6 पेड़े इसके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 पेड़े हमने इसके बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये एक पेड़ा हम उठाएंगे और आटे को डस्ट कर लेंगे और फिर इस पर ये पेड़ा रखकर हम इसे रोल कर लेंगे। तो छोटी साइज़ की रोटी हमें इसकी बेल लेनी है। तो ये हमने बेल ली। तो अब हम इसके सेंटर में ये जो हमने कीमे की फीलिंग तैयार की थी तो वो इसमें हम डाल देंगे। तो ये 1 चम्मच भर के फीलिंग मैं इसमें डाल रही हूँ।
तो इसमें फिलिंग भर लेने के बाद इसके जो किनारे हैं इसे हमें पकड़ लेना है। तो इसके सभी किनारों को हम सेंटर में लेकर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से हमें इसके सारे किनारों को फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से आटा डस्ट करेंगे और इसे हल्का सा हम बेल लेंगे। तो बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे थोड़ा सा बेल लेना है। तो ये देखिए, ये साइज़ परफेक्ट है कचौरियों के लिए, तो इसे हमने थोड़ा सा बेल लिया है, तो अब ये रेडी है। तो इसी तरह से हमें सारी कचौरियों में कीमे की फिलिंग भर के इसे रेडी कर लेना है। तो ऑयल देखिए मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो जितनी कचौरियाँ कढ़ाई में आ सकेंगी उतनी हम डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जो कचौरी है देखिए, ये अभी नीचे तले में है, तो इसकी वजह यह है कि ये ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होगी तो ये तेल के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए कचौरी जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है और ये फूल कर थोड़ी सी ऊपर आ गई है तेल में। तो इस तरह का कोई एक चम्मच हम ले लेंगे और ऑयल को हम कचौरियों पर इस तरह से डालते जाएंगे। और जैसे ही कचौरियाँ एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब हम कचौरियाँ फ्राई कर रहे होंगे तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और उसमें आप कचौरियाँ फ्राई करेंगे तो फिर आपकी जो कचौरी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी की कचौरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये जो कचौरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इसके अंदर जो फीलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो अगर आपको ये मज़ेदार मटर कीमा कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, फरहीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।